अभी हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है इसके हमने अर्थ पढ़े थे। अब देखते हैं अपने नेक्स्ट में आगे भी गुट निरपेक्षता क्या नहीं है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या नहीं है, क्या नहीं है भी गुट निरपेक्षता में क्या नहीं आता। तो गुट निरपेक्ष क्या नहीं है इसको समझाने का जो प्रयास किया गया है वो किया गया है जॉर्ज श्वार्जबर्गर के द्वारा। किसके द्वारा इसको समझाने का जो प्रयास किया गया है वो किया गया है जॉर्ज श्वार्जबर्गर के द्वारा। श्वार्जबर्गर के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया गया है कि गुट निरपेक्षता क्या नहीं है। तो गुट निरपेक्षता श्वार्जबर्गर कहते हैं गुट निरपेक्षता ए लगाववाद नहीं है। गुट निरपेक्षता क्या नहीं है तो ए लगाववाद के नीति नहीं है। गुट निरपेक्षता क्या नहीं है, ए लगाववाद की नीति नहीं है। कैसे नहीं है ए लगाववाद की नीति, क्यों? क्योंकि जो तीसरे खेमे के जो राष्ट्र हैं यानी गुट निरपेक्ष राष्ट्र, अंतर राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेते हैं। जॉर्ज श्वार्जबर्गर कहते हैं भी गुट निरपेक्षता है वो ए लगाववाद की नीति नहीं है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जब हमने पढ़ा था भी गुट निरपेक्षता क्या है तो मैंने कहा भी गुट निरपेक्षता है वो किसी भी सैनिक संगठन में शामिल होना गुट निरपेक्षता है, यानी सॉरी किसी भी सैनिक संगठन में गुट शामिल नहीं होना क्या है, गुट निरपेक्षता है। अब वो सैनिक संगठन में शामिल नहीं हो रहे हैं, दोनों शक्तिशाली खेमों में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तो हिस्सा ले रहे हैं। इसीलिए जो तीसरे खेमे के जो देश हैं या जो गुट निरपेक्षता के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो क्या कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले रहे हैं। इसलिए गुट निरपेक्षता एक ए लगाववाद की नीति नहीं है। दूसरा है गुट निरपेक्षता ए प्रतिबद्धता नहीं है और गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। गुट निरपेक्षता ए प्रति बद्धता नहीं है और क्या नहीं है, गुट निरपेक्षता तटस्थता नहीं है। यानी ना तो गुट निरपेक्षता ए लगाववाद की नीति है, ना ही गुट निरपेक्षता ए प्रतिबद्धता की नीति है, और ना ही गुट निरपेक्षता तटस्थता की नीति है, और ना ही ये ए संलग्नता की नीति है। यानी ए संलग्नता की नीति नहीं है, ना तो ये ए संलग्नता की नीति है, ना ये तटस्थता की नीति है, और ना ही ये अप्रतिबद्धता की नीति है, और ना ही ये अलगाववाद की नीति है। ना ये नीति एक पक्षीय है, ना ये तटस्थीकरण है, ना ये नीति एक पक्षीय नीति नहीं है, और ना ये तटस्थीकरण की नीति है। अब समझने का हम प्रयास करेंगे भी कैसे नहीं है ये अप्रतिबद्धता की नीति कैसे नहीं है। तो आपको पता होगा इसमें दोनों गुटों से पूरी तरह से अलग रहना, दोनों गुटों से पूरी तरह से अलग रहना क्या कहलाएगा अप्रतिबद्धता। यानी यहां पे क्या है, जो नेम के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो पूरी तरह से दोनों गुटों से अलग है। अब देखें जब नेम के जो सदस्य हैं यदि वह पूरी तरह से दोनों गुटों से अलग हो जाएंगे, दोनों गुटों के साथ नहीं होंगे, तो वो कहलाएगी अप्रतिबद्धता। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेंगे तो जो उचित है, जो साम्यवादी विचारधारा में जो उचित है और
पूंजीवादी विचारधारा में जो उचित है उनमें क्या होंगे, उचित को ये अपनाएंगे, कहने का मतलब ये पूरी तरह से इन गुटों से अलग नहीं है, इसलिए अप्रतिबद्धता भी नहीं है, अर्थात दोनों गुटों के साथ भी हैं और उनसे अलग भी हैं। इसी प्रकार से तटस्थीकरण, तटस्थीकरण का मतलब होता है दोनों गुटों में युद्ध में शामिल न होना, यानी दोनों गुटों के युद्ध में शामिल न होना। किसी भी प्रकार से दोनों गुट जो आपस में शीत युद्ध के समय दोनों गुट आपस में अपनी अपनी विचारधारा को लेकर के और जो झगड़ रहे थे, तो ऐसी स्थिति में जो नेम के जो सदस्य राष्ट्र हैं वो दोनों गुटों में किसी भी प्रकार से युद्ध में शामिल नहीं होंगे, युद्ध में किसी भी प्रकार से शामिल नहीं होंगे, युद्ध से क्या रहेंगे, वो दूर रहेंगे। उसके बाद में असंलग्नता यानी गुट निरपेक्षता, वो असंलग्नता भी नहीं है, क्योंकि ये क्या है, दोनों ही दोनों देशों की विचारधाराओं से अलग है, यानी दोनों गुटों के विचारों से अलग है, यानी ये दोनों ही गुटों के जो विचारधारा है उनसे क्या है, अलग है। गुट निरपेक्षता एक पक्षीय नहीं है, यानी किसी एक गुट के साथ मिलना। अब इसके अंदर क्या होता है, ये एक पक्षीय की नीति नहीं है, क्योंकि जो गुट निरपेक्ष सदस्य राष्ट्र है वो किसी भी एक गुट के साथ नहीं है, बल्कि दोनों गुटों के साथ है, दोनों गुटों के साथ है, दोनों गुटों में जो अच्छा है उसके साथ ये मिलेंगे। उसके बाद में तटस्थीकरण, तटस्थीकरण का मतलब होता है संधि के माध्यम से पूरे विश्व की राजनीति में क्या रहना, शामिल रहना, उनसे अलग नहीं रहना। अगर तटस्थीकरण का मतलब क्या होता है, तटस्थीकरण का मतलब होता है अंतर राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहना। तो देखें, तटस्थीकरण का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग रहना, लेकिन नेम के जो सदस्य राष्ट्र हैं, गुट निरपेक्ष जो देश हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से अलग तो नहीं रहते, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, इसलिए गुट निरपेक्षता तटस्थीकरण भी नहीं है। उसके बाद में गुट निरपेक्ष जो देश हैं, नेम के जो सदस्य राष्ट्र हैं, वो किसी एक गुट के साथ नहीं मिले हुए, बल्कि दोनों ही गुटों के साथ हैं, दोनों ही गुटों से दूर हैं, किसी एक गुट का समर्थन नहीं करते हैं, इसीलिए ये एक पक्षीय नीति नहीं है, यानी गुट निरपेक्ष है, वो किसी एक देश के साथ नहीं मिलते। दूसरा असंलग्नता, दोनों गुटों की विचारधाराओं से अलग रहना, आपको पता है पूंजीवादी विचारधारा थी और साम्यवादी विचारधारा थी, दोनों ही विचारधाराओं से क्या रहे थे, अलग रहे थे, और अलग रहना क्या कहलाएगा, गुट निरपेक्षता कहलाएगा, लेकिन पूरी रूप से ये अलग नहीं है, क्योंकि इन देशों ने जो साम्यवाद में जो अच्छी चीज थी वो अपनाई है और पूंजीवाद में जो अच्छा है, अच्छा गुण है, वो इन्होंने अपनाया है। तो अपने यूं कह सकते हैं जो गुट निरपेक्षता है इसमें दोनों की जो विचारधारा है उसमें क्या करना, उचित का साथ देना और मिश्रण को अपनाना। क्या होगा, दोनों ही गुटों में उचित को अपनाना, जो दोनों गुटों के अंदर जो अच्छा है, जो सही है, उसको गुट निरपेक्ष देश क्या करेंगे, अपनाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, दोनों देशों की विचारधारा को अपनाएंगे तो क्या होगा, मिश्रण होगा, क्या होगा, मिश्रण होगा। तो अपने यूं कह सकते हैं गुट निरपेक्षता है वो दोनों ही विचारधाराओं का क्या, एक प्रकार से मिश्रण है। गुट निरपेक्षता क्या है, दोनों ही गुटों में उचित का साथ देना, क्या करना, उचित को अपनाना, या अपने यूं कह सकते हैं उचित का क्या देना, साथ देना ही क्या है, गुट निरपेक्षता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले रहे हैं लेकिन दोनों देशों से क्या रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, दोनों ही देशों की विचारधाराओं से अलग अलग हैं, इनकी गुट निरपेक्ष देश है, इनकी अपनी एक स्वतंत्र नीति है, और जो स्वतंत्र नीति होगी वो क्या कहलाएगी, गुट निरपेक्षता कहलाएगी। अब देखें जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है या गुट निरपेक्षता है, गुट निरपेक्षता की आगे हम पढ़ेंगे संस्था।
तो आपको पता है गुटनिरपेक्ष जो आंदोलन है या गुटनिरपेक्ष जो संस्था है इसकी आगे कौन कौन सी संस्थाएं हैं, तो अपने पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता की या गुटनिरपेक्ष की संस्थाएं। तो देखिए गुटनिरपेक्ष की संस्थाएं और सम्मेलन हम पढ़ेंगे। तो इसकी एक संस्था है जिसे बोलते हैं समन्वय ब्यूरो, और इसके जो सम्मेलन होते हैं वो दो प्रकार के सम्मेलन होते हैं, एक तो होता है विदेश मंत्री स्तर का सम्मेलन और एक होता है शिखर सम्मेलन। तो देखें गुट निरपेक्षता की संस्थाएं और पढ़ेंगे इसके सम्मेलन। तो देखें गुट निरपेक्षता की एक संस्था है जिसे बोलते हैं समन्वय ब्यूरो। ये गुट निरपेक्षता की सर्वोच्च संस्था है। और इसी प्रकार से सम्मेलन होते हैं दो प्रकार के सम्मेलन होते हैं, एक तो होता है विदेश मंत्री स्तर का सम्मेलन और दूसरा जो सम्मेलन होता है उसे बोलते हैं शिखर सम्मेलन। तो देखें गुटनिरपेक्षता की संस्थाएं और गुटनिरपेक्षता के सम्मेलन। तो गुटनिरपेक्षता की जो संस्था है वो कौन सी है, एक तो समन्वय ब्यूरो है, और गुटनिरपेक्षता की जो सम्मेलन है वो एक होता है विदेश मंत्री स्तर का सम्मेलन और दूसरा होता है शिखर सम्मेलन। अब देखें जो समन्वय ब्यूरो है वो जो नेम है उसकी एक कार्यकारी संस्था है। किस प्रकार की कार्यकारी, जितने भी नेम के जो कार्य होते हैं वो सारे के सारे किसके द्वारा किए जाते हैं, वो समन्वय ब्यूरो के द्वारा किए जाते हैं। और जो समन्वय ब्यूरो है उसमें कितने सदस्य हैं, उसमें 17 सदस्य होते हैं। स्टार्टिंग में इसके 17 सदस्य थे और सन 1986 में इनके सदस्यों की संख्या बढ़ा दी और बढ़ा करके कितनी कर दी, 66 कर दी। कितने कर दी, 66 कर दी, जिसमें 31 सदस्य अफ्रीका के आते हैं और 23 सदस्य हैं वो एशिया के आते हैं, और इसी प्रकार से 10 जो सदस्य है वो जो लैटिन अमेरिका है, जो मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो बीच के जो देश हैं वो इसके अंतर्गत 10 सदस्य वो आते हैं और 2 यूरोप से आते हैं। तो 2 यूरोप के हो गए, 10 लैटिन अमेरिका से हो गए, 23 सदस्य हैं वो एशिया से हो गए और 31 अफ्रीका से हो गए। तो 31, 23, 10 और 2 सदस्य इसके हो गए। तो हम देखते हैं समन्वय ब्यूरो ये क्या है। समन्वय ब्यूरो है ये नेम की क्या है, एक कार्यकारी संस्था है। क्या है, कार्यकारी संस्था है। नेम के जितने भी कार्य होते हैं वो इसी संस्था के हिसाब से होते हैं। और इसके जो सदस्य हैं, यानी इसके जो समन्वय ब्यूरो के जो सदस्य हैं वो आरंभ में कितने सदस्य थे, 17 सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में यानी अपने कहें 1986 के बाद वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या बढ़ गई है और बढ़ के कितनी हो गई है, 66 हो गई है। अब ये 66 सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हम इन 66 सदस्यों के बारे में चर्चा करें। तो 66 सदस्य एक तो हो गए अफ्रीका से, उसके बाद में नंबर 2 हो गए एशिया से, फिर नंबर तीन हो गए लैटिन अमेरिका से, और नंबर 4 हो गए यूरोप से। ये सदस्य हैं जो कार्यकारी संस्था समन्वय ब्यूरो के अंदर कार्य करते हैं। अब इसके अंदर 31 तो अफ्रीकी हो गए और 23 एशिया के हो गए, यानी 31 सदस्य किसके हैं, अफ्रीका के हैं, और 23 सदस्य ये कहाँ के हैं, ये एशिया के हैं। लैटिन अमेरिका के कितने हो गए, 10 सदस्य राष्ट्र हो गए, और यूरोप के कितने आ गए, यूरोप के 2 सदस्य हो गए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के और ये कितने सदस्य हो गए, ये 66 सदस्य हो गए। अब ये वो कार्यकारी संस्था है जो नेम के जितने भी कार्य होते हैं वो ये करती है। अब देखते हैं भी ये जो संस्था है
कौन सी? समन्वय ब्यूरो है। ये समन्वय ब्यूरो का काम क्या है? समन्वय ब्यूरो का ये काम है भी, एक तो जो ये जो शिखर सम्मेलन है, इस शिखर सम्मेलन का क्या करना, जितने भी नीम के शिखर सम्मेलन होंगे उन शिखर सम्मेलनों का मसौदा तैयार करना। क्या करना? मसौदा तैयार करना। और यूएनओ व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, जैसे यूएनओ है और भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत से मंच हैं, उनके अंदर नेम की तरफ से क्या करना, प्रतिनिधित्व करना। तो समन्वय ब्यूरो का कार्य क्या है? समन्वय ब्यूरो के अपने अगर कार्य पढ़ें तो समन्वय ब्यूरो का पहला कार्य है भी जो नेम है, नेम के जो शिखर सम्मेलन है, इन शिखर सम्मेलनों का क्या करना, मसौदा तैयार करना। मसौदा तैयार करना ये समन्वय ब्यूरो का प्रमुख काम है। दूसरा काम क्या है? जैसे यूएनओ है तथा जितने भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे आसियान हो गया, दक्षेस हो गया, यूएन हो गया, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं और एक हमारा ये यूएनओ है, इस इन संस्थाओं के अंदर क्या करना, NAM यानी नेम की तरफ से, नेम की तरफ से या नेम का, अपने यूं कहें नेम का क्या करना, प्रतिनिधित्व करना। ये किसका काम है? ये रहेगा समन्वय ब्यूरो का काम। यानी समन्वय ब्यूरो के दो काम हैं, एक तो है नेम के जो शिखर सम्मेलन होते हैं उनका मसौदा तैयार करना, और जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितनी भी संस्थाएं हैं, ये यूएनओ है, यूएन है, आसियान है, दक्षेस है, इन सब में क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर के और गुट निरपेक्ष नेम की तरफ से क्या करना, प्रतिनिधित्व करना। और नेम की जो ये समन्वय ब्यूरो जो एक संस्था है, ये क्या एक कार्यकारी संस्था है, नेम के जितने भी कार्य होते हैं वो इसी समन्वय ब्यूरो के अंतर्गत होते हैं। अब देखते हैं आगे जो सम्मेलन है। सम्मेलन मैंने आपको कितने प्रकार के बताए, दो प्रकार के बताए, एक तो है विदेश मंत्री स्तर का सम्मेलन और एक होता है शिखर सम्मेलन। विदेश मंत्री स्तर का जो सम्मेलन है इसमें क्या होता है, जो सदस्य राष्ट्र हैं इनके विदेश मंत्री भाग लेते हैं। इसके अंदर देखें, इसके अंदर क्या होगा, अपने क्या पढ़ रहे हैं, अपने पढ़ रहे हैं विदेश मंत्री स्तर का सम्मेलन। इसके अंदर क्या होगा, अपने यूं कहें पहली बात तो ये, जो सदस्य राष्ट्र हैं, सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री इसमें क्या लेंगे, इसमें भाग लेंगे। सदस्य राष्ट्रों के विदेश मंत्री इसमें भाग लेंगे, किसमें, विदेश मंत्री स्तर के सम्मेलन में। और विदेश मंत्री शिखर सम्मेलन में क्या होता है, विदेश मंत्री स्तर का जो सम्मेलन होता है, इस सम्मेलन के अंदर जो शिखर सम्मेलन है, जो शिखर सम्मेलन है, इन शिखर सम्मेलन की जितनी भी कार्य सूची होती है उनको क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और जो नेम है, इनके जो सदस्य हैं, ये जो सदस्य हैं ये क्या करेंगे, इच्छुक सदस्य देशों का आवेदन लेंगे। जैसे मान लो कोई भी देश है वो नेम का सदस्य बनना चाहता है तो उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, कौन से सम्मेलन में, विदेश मंत्री स्तर के सम्मेलन में। तो दूसरा कार्य, पहला कार्य तो आपको मैंने पहले ही बताया भी, सदस्य राष्ट्र इसके अंतर्गत क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। और दूसरा काम होता है इसमें क्या होता है, जो शिखर सम्मेलन है, इन शिखर सम्मेलनों की, शिखर सम्मेलनों की क्या करना, कार्यसूची तैयार करना। तीसरा इसके अंतर्गत होता है जो नेम की सदस्यता लेने वाले, प्राप्त करने वाले इच्छुक देशों से आवेदन लेना। भी जो भी देश हैं वो नेम के सदस्य बनना चाहते हैं,